नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ मेघा पाटिल। भारत में सबसे बड़ी गुफा का पता चला है। ये गुफा मेघालय में मिली है। जी हाँ, मेघालय एक ऐसे देश का राष्ट्र है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ऐसे में सबसे बड़ी गुफा मिलना बहुत आश्चर्य की बात है। इस गुफा को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी गुफा अपने आप कैसे बनी। चलिए इस गुफा के कुछ रहस्य हम आज आपको बताते हैं, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ रहस्य सृष्टि की शुरुआत दौर में अनसुलझा है। ऐसे में जब कोई रहस्य हमारे सामने आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ, पाताल लोक की कहानी तो हर किसी ने बचपन में सुनी होगी कि एक ऐसा लोक जहाँ ज़मीन के अंदर लोग रहते हैं, एक ऐसा रास्ता जो धरती के अंदर जाता है, एक ऐसी गुफा जिसके अंत धरती के अंदर है, और पाताल लोक की गुफा है। हम आपको आज एक ऐसे सच से परिचय कराने वाले हैं जिसको देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे। वैसे तो दुनिया भर में अलग अलग तरह की गुफाओं के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन भारत में एक ऐसी गुफा मिली है जिसके सबको चौंका दिया। जब इस गुफा के अंदर वैज्ञानिकों ने अंदर जाने का प्रयास किया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से मेघालय में गुफा मौजूद है। घने जंगलों की ढलान पर पेड़ पौधे से करीब एक घंटे तक गुजरते हुए इस गुफा तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा। समुद्र तट से 4025 फीट की ऊंचाई और सामने गहरी घाटी, ये गुफा खड़े चट्टान के मुहाने पर स्थित है। इसकी लंबाई करीब 31 किलोमीटर है। ये गुफा इस धरती पर ज़्यादा बारिश के लिए मशहूर मासिनराम की हरी भरी वादियों में 13 वर्ग किलोमीटर में फैली है। वैसे तो मेघालय दुनिया के सबसे जटिल गुफाओं में से कुछ के लिए माना जाता है, और यहाँ भारत के अन्य किसी भी जगह की तुलना में सबसे अधिक गुफाएं हैं। जब वैज्ञानिक यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने दीवार पर एक बड़ी मकड़ी देखी। एक और चीज मिली जो भूवैज्ञानिकों के अनुसार चट्टानों में फंसे शार्क के दांत हैं। ये गुफा वाकई ही रहस्य भरी है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ऐसी गुफाओं का निर्माण स्वतः नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी लंबाई है ऐसे में ये मुमकिन नहीं है। सदियों पहले किसी मानव जाति ने इस गुफा के निर्माण का एक समुदाय विशेष के रहने के लिए कराया हो। यह गुफा में जीव, मेंढक, मछली, विशाल हंटर मकड़ियाँ और चमगादड़ भी हैं। असल में बलुआ पत्थरों की ये गुफाएं आम नहीं हैं, क्योंकि इनमें लगन क्षमता कम है, इसलिए इनके धुलने और नष्ट होने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए। मेघालय दुनिया का सर्वाधिक बारिश वाला इलाका है, इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ बलुआ पत्थरों की गुफा का बनना पूरी तरह से आश्चर्यजनक भी नहीं है। मेघालय की गुफाओं में दुनिया भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इनकी पहाड़ियों में 31.1 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी गुफा है। और तो और, यहाँ कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि मनुष्य के युद्ध के दौरान ठहरने के लिए या फिर शिकारियों ने इस गुफा के प्रयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे।